कंडे अपनाए जा सकते हैं। किसान संगठनों ने सरकार की इस मंशा को भाप कर ही देश के सभी जिलों में आंदोलन की गतिविधियां शुरू करने की बात कही है। ट्रैक्टर परेड पहले दिल्ली के लिए तय हुई थी, मगर अब सभी राज्यों में जिला स्तर पर ये परेड निकाली जाएगी। नहीं, सोल्यूशन तो देखो निकलेगा हमारे आंदोलन की ताकत से। आंदोलन हमारा बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा देश में फैल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके आंदोलन का दबाव बढ़ा भी है और बढ़ेगा, और सरकार को अपनी जो ऊपर से सरकार जवाब दे रही है ना, अंदर से उसका हिला हुआ है जो, और ये मेरा ये मानना है कि सरकार को आने वाले 5-7 दिन के अंदर अंदर हमारी डिमांड को मानना पड़ेगा। अगर डिमांड नहीं हो पाता है कुछ तो कुछ आगे एक्शन लेंगे सुप्रीम कोर्ट? नहीं, एक्शन तो हमने लॉन किए हुए हैं, लोहड़ी का किया हुआ है, आगे 13 तारीख का किया हुआ है, 18 तारीख का किया हुआ है, 20 का किया हुआ है, 23 का किया हुआ है, 25-26 का किया। सो बहुत सारे प्रोग्राम हमने अनाउंस किए हुए हैं, वो प्रोग्राम लगातार लोगों को और हमारे आंदोलन में लाते रहे। सबसे पहले जो सबसे पहला नारा था देश का, जय जवान जय किसान, जिस नारे को बुलंद करके लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी लोगों ने आज़ादी ली थी, आज़ादी पाई गई थी, उस पर पूरा देश उस टाइम भी नाज करता था और आज भी नाज करता है। किसान के ऊपर उस टाइम भी लोग फख्र करते थे और आज भी किसान के ऊपर गर्व से सीना ठोक के फख्र करते हैं। तो ये जो है वंशज, उन क्रांतिकारी योद्धाओं के वंशज हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आप देखो, 13 साल का बच्चा है और महिला है, मातृशक्ति, बहुत भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे अपना सब कुछ 6-6 महीने के राशन के साथ ट्रैक्टर चला के, अभी इंटरनेशनल हमारी मित्र खिलाड़ी है, इंटरनेशनल वो ट्रैक्टर लेके सब उसमें अपना जो स्टेटमेंट है टाइम टू टाइम वो दे रही है, लोगों को जागृत कर रही है। और इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ जो आर्मी के हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, 6,000-10,000 की संख्या में वो किसानों के साथ। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। अवधेश कुमार सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और राहुल रिछारिया जी यूपी कांग्रेस के सचिव हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अवधेश जी, पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये कह रहे हैं दर्शन पाल जी की 15 तारीख बहुत सोच विचार कर रखी गई है वार्ता के लिए, उससे पहले कोई बड़ा हथकंडा अपना सकती है सरकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का कल क्या आता है, मंडे का, उसके आधार पे ही, क्योंकि कुछ पार्टी गई हुई है, 42 संगठन उसमें इम्प्लीटमेंट अपना डाले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कुछ निष्कर्ष पे सरकार भी पहुंचेगी कि किस तरफ लेके चला जाए, मुझे यही समझ में आ रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। राहुल जी, आपके पास आना चाहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें देखना, लेकिन हमने जितने भी किसानों से बात की है या उनकी बातें हम सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया हम सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें कोर्ट की कार्रवाई से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारी मांगे सिर्फ सरकार से है, हमारी बात सरकार से हो रही है, कानून सरकार लाई है, तो कोर्ट बीच में कहां से। यही तो दुर्भाग्य और विडंबना है वर्तमान स्थिति की, सुप्रीम कोर्ट हमारी जो कोर्ट है वो हमारे लिए हमेशा आदेश दे रही है, लेकिन ये वर्तमान गवर्नमेंट ने उसको भी डाउट की स्थिति में खड़ा कर दिया। जहां तक बात है हमारे सम्मानीय आदरणीय किसानों की, ये लोकतंत्र है, उनकी द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो किसान चाहता है कि उसकी हक की बात उसकी अपनी सरकार चुने जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, जिनको पूरा आशीर्वाद देके, बहुमत देकर, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बहुमत देकर उनको दोबारा चुनकर आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। जब भी कोई समस्या की बात आती है वो टाल देते हैं, ये बहुत ही गलत है, और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा काला दिन है कि हमेशा हर मीटिंग, आप देखिए पिछले कई दिनों से सिर्फ मीटिंग हो रही है, इजाफा हो रहा है, हमारे आदरणीय किसानों को हम खो रहे हैं, हमारे बीच से वो जा रहे हैं, लेकिन मीटिंग का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बहुत गलत है और मेरे ख्याल से सहने लायक नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक।
बहुत खतरनाक सिद्ध होगा आने वाले वक्त। ठीक है, अवधेश जी आपके पास आना चाहेंगे। संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं है, आप भले ही कितना कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का हम इंतजार कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ टिप्पणी देता है हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि समाधान तो अंत में आपको ही निकालना है। 15 तारीख तो आपने ही दी है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है सर। बीच के 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। 42 संगठन किसान आंदोलन का 42 संगठन गए हुए हैं, उसमें इम्प्लीमेंट डाले हुए हैं, अब उनका भी तो पक्ष सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें अहम रोल रखा जाता है। कारण क्या है कि देश का एक एरी एक पिलर है सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है तो कोई भी अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। अब रही बात की कांग्रेस पार्टी को अगर कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तभी तो 15 तारीख को इन्होंने आज सोनिया गांधी जी की एक अहम बैठक हुई, सोनिया गांधी जी कि पूरा का पूरा मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही चल रहा है, तो ये मैं आपके बात मान लेती कि अभी हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं दे पाएंगे, लेकिन सरकार के स्तर पर भी कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं सर, बातचीत आप भी कर रहे हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो बात कर ही नहीं रही हूं, मैं तो ये जानना चाह रही हूं कि सरकार इसमें क्या कुछ प्रोसेस कर रही है, सरकार की मंशा क्या है, आपकी मंशा भी तो जानना जरूरी है ना सर, क्योंकि इतने लंबे समय तो सिर्फ आपसे ही बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में अब जाकर सुनवाई शुरू होनी है। देखिए, सरकार की अगर वार्ता नहीं होती, पॉजिटिव होप नहीं होता, तो दो कानून के अंदर दो बात माना गया, कानून के अंदर पराली से संबंधित और बिजली से संबंधित, पॉजिटिव होप था तभी माना गया, आगे भी पॉजिटिव होप के साथ में सरकार वक्ता के लिए तैयार है, इसीलिए 15 तारीख को, क्योंकि बहुत सा अगर देखा जाए यूनिटी डिपार्टमेंट सब कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सब इन्वॉल्वमेंट होता है, सबके साथ में गवर्नमेंट को अपना चर्चा भी करना होता है, यूनिलेटरल हर एक चीज का डिसीजन नहीं ले सकता सरकार, वार्ता के साथ में संशोधन के लिए सरकार तैयार थी इसके अंदर। राहुल जी देखिए, यह जो अंदेशा है किसान नेताओं के द्वारा जताया जा रहा है कि ऐसे राज्य जहां पर इस आंदोलन का असर ज्यादा नहीं है, उन राज्यों के किसान संगठनों को सरकार अपने साथ में लाकर खुद का पक्ष मजबूत करना चाहती है और इस किसान आंदोलन पर असर डालना चाहती है। राहुल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, आपकी आवाज बहुत कटकर आ रही है जी। सर अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? अभी आवाज क्लियर आ रही है जी मैम। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि दर्शन पाल जी हैं जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें ऐसा अंदेशा है कि वो राज्य जहां पर किसान आंदोलन का असर ज्यादा नहीं है, वहां के किसान संगठनों को अब सरकार अपनी ओर लेकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति बना रही है। देखिए पंडवी जी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितनी शक्ति और जितना ये अर्थ का और पूरे अपने तंत्र का उपयोग किसानों को हटाने में और किसानों को विचलित करने में कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि इनके सारे सांसद सारे मंत्री विधायक इस समय चौपाल लगाकर किसानों को ये बताने में कोशिश ज्यादा कर रहे हैं कि ये बिल्कुल। राहुल जी माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूँ, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। कानूनी सहायता लई हर जिले च वन स्टॉप सेंटर स्थापित कीते। महिलावां दा कर दी सत्कार, लोका दी सरकार पंजाब सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, सीधा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राहुल जी आपके पास ही आना चाहेंगे, आपकी बात बीच में रह गई थी, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सर। मैं पल्लवी जी ये बोल रहा था कि जितना वर्तमान सरकार अपने पूरे सांसदों का विधायक मंत्रियों का उपयोग चौपाल लगाने में, किसानों को भटकाने में, किसानों को ये साबित करने में लगाई हुई है कि ये बिल उनके लिए उपयोगी है, उतना अगर ये थोड़ा बहुत भी बात और जितना ये अर्थ का दुरुपयोग कर रहे हैं,
आप देखिए इनके जितने भी पूरी टीम है, सांसद, विधायक, मंत्री जो चौपाल लगा रहे हैं, उनके जो मूवमेंट्स हैं, उसमें इस देश के टैक्स पेयर का लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये ध्यान किसानों की वर्तमान परिस्थिति पर, किसान चिंतित है अपने MSP पर, अपने उस कानून पर जिसमें कहीं ना कहीं उनकी बहुत बुरी स्थिति हो पाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने सहयोगी कि कृपया करके सिर्फ किसानों की बात सुने। ये जो इस तरह भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, हमारी वो इस देश का तीसरा स्तंभ है। हम बात सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के लिए नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसानों की मानसिकता की। किसान जो इस समय वर्तमान परिस्थिति में संघर्ष कर रहा है, इस ठंड में उनके ऊपर आप पानी से बौछार कर रहे हो, उनको आतंकवादी कर रहे हो, उनको खालिस्तानी कह रहे हो, ये जो उनके मानसिक पीड़ा और लगातार हम कहीं ना कहीं अपने किसान भाइयों को खो रहे हैं, इन चीजों का ये मंथन करें। अपने आज ही देखिए, अगर आपने आज ही, मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा, आज जो हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी जब भवन से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, हंसते हुए आए, ठाके मार रहे थे पत्रकारों के साथ। क्या है ये लोकतंत्र है? हमारा किसान जब परेशान है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में माइंडसेट है, पूरा पिक्चर बना चुके हैं, पूरा रोड मैप बना चुके हैं वो, कि अब जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता दिखाया वहां से भी वो अपने हिसाब से डिसीजन कराएंगे। उनकी हंसी बता रही, हमें शंका नहीं है किसी भी चीज पर, हम माननीय मंत्री जी का जो चेहरा था उसको देख करके, और हम अपने किसान, जो हमारे किसान भाई है, उन्होंने कहा नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बात रखेंगे। तो हम किसानों का जो विश्वास कम हो रहा है, और प्लस वो जो लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हैं, अंबेडकर जी के संविधान पर विश्वास कर रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है अवधेश जी, हार थकने का इंतजार किया जा रहा है कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब किसान थक जाएंगे? नहीं समझ पाया पल्लवी जी, कृपया एक बार दोहरा देंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या किसानों के हार थकने का इंतजार किया जा रहा है कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब किसान खुद ब खुद ही थक जाएंगे और अपने घरों की ओर लौट जाएंगे? किसान आंदोलन, ठीक है, और कांग्रेस की, दोनों को दो रूप से देखें। कांग्रेस अपने जमीन बचाना चाहती है, इसलिए किसान आंदोलन को एक अलग तरीका से अपने रूप में प्रदर्शन करना चाहती है। इसलिए 15 तारीख के जो वर्षा के लिए सरकार रखा हुआ है, तो आदरणीय सोनिया जी को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 15 तारीख के लिए इन्होंने आंदोलन तेज करने के लिए कह दिया? ये तो कांग्रेस को फैलाना समाज के अंदर। आप देखें NRC के मुद्दे पर कांग्रेस खड़ा थी उनके साथ, सभी को पता था कि NRC क्या चीज था। CAA के मुद्दा पर कांग्रेस का स्पष्ट रूप दिखाई दिया। आखिर जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, इन्हीं के सरकार में 2005 और 7 बीच में स्वामी बीच चिदम्बरम जी और इनके साथ का जो लिया जाए, शरद पवार जी ने सभी को चिट्ठी लिखकर कहा था, अमरिंदर सिंह जी जो इनके मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर हैं, क्या इन्होंने कभी स्पष्टीकरण मांगा? क्या कांग्रेस की इस बात को जनता के सामने आना चाहिए कि इन्होंने, आखिर ऐसा कौन सा दिन क्यों था, कौन सा कारण था कि इन्होंने कभी भी कॉल नहीं किया अमरिंदर सिंह तो पर कि क्यों उन्होंने किसान का कानून का समर्थन किया था समिति के अंदर? आज हमारे राकेश टिकैत जी हैं, स्वामीनाथन अवधेश जी, सीधी सी बात यह है कि मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर नहीं था, किसानों को लेकर था, जिस पर आपने एक शब्द भी नहीं बोला। और दूसरी बात यह, जब आप विपक्ष में थे तो आप भी किसानों के नाम पर ऐसे ही राजनीति करते थे जिसके आरोप अभी आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है अवधेश जी, इस वॉइस को भी हम ठीक करवा लेते हैं जो भी टेक्निकल इशू हो रहे हैं, और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पंजाब ने कोरोना वायरस महामारी दौरान भी निवेश दे खेतर विच झंडे गड्डे। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने पूरे देश चो पहला स्थान हासिल कीता। ते इस साल पंजाब विच 9,903 करोड़ रुपए दा निवेश होया ते पिछले 4 सालां दे निवेश नू मिला के कुल 70,703 करोड़ रुपए दा निवेश पंजाब च होया। पंजाब दी तरक्की साडा आधार, लोका दी सरकार पंजाब सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन के मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक सवाल राहुल जी से लेना चाहती हूं। सर, 15 तारीख को जब वार्ता की तारीख निश्चित है तो उसी दिन कांग्रेस को क्यों आंदोलन करना है, उसी दिन क्यों आपको तमाम प्रदर्शन करने हैं? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये देश हम सबका है, आपका है, और कांग्रेस ने इस देश को अपने मेहनत से, अपने लहू से सींच कर इस लेवल पर खड़ा किया है। जो आज ये वर्तमान सरकार जो चीजों को बेचती जा रही है, अडानी अंबानी जी को प्राइवेट कर रही है, ये सब हम लोगों की मेहनत की गई, ठीक है ना? तो एक तो वर्तमान स्थिति ये है कि इनसे माननीय अध्यक्ष जी से कहिए कि कांग्रेस पर ना चर्चा करके वो किसानों पर चर्चा करें। और मैं, चलिए मैं बात अब कांग्रेस की नहीं कर रहा हूं, ना वर्तमान सरकार की। हम सबके आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, जो कि आपकी वर्तमान सरकार की पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी एमएसपी पे किसानों की समस्या को समझा था। उन्होंने 540 से 620 रुपए एमएसपी बढ़ाई। उस समय जब किसानों की एमएसपी बढ़ रही थी, लेकिन जो मेन उस समय काम था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इनपुट जो है वो नहीं पाया था। मेरा कहने का मतलब है, जैसे खाद, बीज, फर्टिलाइजर, डीजल, इन सब पर जो सब्सिडी थी या इन सब पर जो किसानों को सुविधा मिली थी, उसका हक नहीं। वर्तमान सरकार कह रही है कि हमने 1440 रुपए से 1925 रुपए एमएसपी कर, बहुत अच्छी बात, आप भी ठपठपा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात आपने की। लेकिन आप ये भी तो देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 12% आपका टैक्सेस बढ़ा था और महंगाई बढ़ी जो किसानों के ऊपर आई थी। आप वर्तमान सरकार ने तो 60% कर दिया है, मतलब 60% इन्होंने किसानों के ऊपर बोझ बढ़ा दिया। तो ये जो है, ये जो ट्रिकी गेम, ये जो गुजराती मॉडल है, ये जो कैश में जो खेला जा रहा है, जो हमारा इस देश का किसान, हमारा देश का जो लेबर है, हमारा जो श्रमिक भाई है, जो नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि किसान 24 घंटे 18 घंटे मेहनत करता है पूरे परिवार के साथ, उसकी सिर्फ एक विडंबना है पल्लवी जी, कि वो वर्तमान सरकार को, पार्टियों को कोई कॉर्पोरेट चंदा नहीं दे सकता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना है, उससे किसान विचले। तो ये वर्तमान परिस्थितियों पे बात करें, और कृपया करके मैं पूरे देश के किसान और पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से मैं ये कहूंगा कि किसानों को अपने दिमाग से हटा, और जितनी भी और जो ये चीजें बेच सकते हैं जो कांग्रेस ने खड़ी की हैं, ये बात कांग्रेस की कर रहे हैं, आदरणीय सोनिया जी की कर रहे हैं। अरे हम लोगों ने जिस देश में सुई से नहीं बनती थी, वहां सुई से लेके रॉकेट बनाने की गड़ी HLL, क्या क्या, ये एक अलग टॉपिक है। इस समय मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, जो ये आज बड़े फख्र के साथ प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बात करते? कृपया करके वहीं तक रहे, किसानों को छोड़ दे, क्योंकि ये जय जवान जय किसान। ठीक है, बोलिए अवधेश जी।
अवधेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, तो इस वक्त की ये अहम खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं कि किसानों और सरकार के बीच आगामी बैठक जो है 15 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले किसान किसान नेताओं को ये अंदेशा है कि इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार कोई भी हथकंडा अपना सकती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और चुनिंदा भाजपा नेता उन राज्य के किसान संगठनों को अपने पक्ष में खड़ा कर रहे हैं जहां आंदोलन का असर नहीं है। ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार किसान आंदोलन की कमजोरी तो खुद के लिए फायदेमंद मान रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के छोटे किसान संगठनों के साथ दोबारा से बातचीत करने की तैयारी में है। ये तमाम बातें जो है क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कही है। उनका मानना है कि सरकार ने वार्ता के लिए बहुत सोच विचार कर 15 जनवरी की तारीख तय की है। बतौर दर्शन पाल इस सप्ताह आंदोलन को बदनाम करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। अवधेश जी की तो आवाज हम तक नहीं आ रही है, उससे उनसे हमारा वापस से संपर्क जुड़ता है। इससे पहले हम राहुल जी के पास चल लेते हैं। राहुल जी, देखिए आपने तमाम बातें तो कह दी हैं कि हाँ ठीक है, और ये बात कहीं ना कहीं देखी जाए तो सही भी है, निजीकरण की ओर बहुत तेजी से हमारा देश बढ़ रहा है। ऐसे में किसानों को ये आशंका होना, ये संभावनाएं जताना, ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इस मसले में बीच में आया है, क्या लग रहा है बहुत सी चीजें बदल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का एक मर्यादा है, उनका बहुत सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है वहां पर हर चीज समाप्त होती है। बिल्कुल। तो किसान जो चिंतित है वो इसलिए चिंतित है कि ये सुप्रीम कोर्ट को नहा बीच में डालें, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक से सरकार के सामने अपनी समस्या रखें, उस समस्या को वो सुने। और देखिए, दो तीन जजमेंट आपने देखे हैं, और फिर देखिए इसलिए शंका आती है कि जैसे आपने राफेल का डिसीजन देखा, एनसीआरए का डिसीजन देखा, और उसके तुरंत बाद जैसे ही रिटायरमेंट होता है हमारे आदरणीय, आप समझ रहे हैं मैं किसकी किनकी तरफ इशारा कर रहा हूं, उनको लोकतंत्र में आप राज्यसभा में ले लेते हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, इसलिए थोड़ी जो डाउटफुल स्थिति आती है, ये कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड संस्था है, हम इनका आदर करते हैं और किसान भी आते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपसे बार बार इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर इनकी मंशा, इनकी नियत गलत नहीं, एफसीआई जो बनाया था 1965 में, हम लोग इसी लेकर आए थे हमारे आदरणीय पंडित नेहरू जी, कि किसानों को उनका हक मिल सके, क्योंकि उनका जो पसीना है वो 24 घंटे रहता है, वो प्रकृति पर भी निर्भर रहते हैं। आपने पिछले 6-7 वर्षों से, जब से आप सत्ता में आए हो, 2017 के बाद, 2016 के बाद, एफसीआई को सब्सिडी, एफसीआई को मॉनिटरिंग करना कम कम कर, आज वर्तमान स्थिति में एफसीआई 3,50,000 करोड़ कर्ज में है, और पिछले कई वर्षों से बिना किसी की जानकारी के अडानी जी के गोडाउन चालू हो चुके हैं। पहले एफसीआई को खुद का 22,000 कर्मचारियों को रोजगार, मान लीजिए उनका भत्ता, उनकी तनख्वाह, खर्चा निकालने के लिए एफसीआई गोडाउन में माल शिफ्ट करना, फिर डायरेक्ट आपने उनके पास पहुंचाना शुरू कर दिया, और फिर COVID-19 के वक्त में जब पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कोई बूस्ट कर रहा था, तो वो हमारा आदरणीय किसान कर रहा था, उस किसान को आपने इतना बड़ा धोखा दिया। एक अपने यहां कहावत है, पीठ में खंजर घोंपना, COVID-19 में हम सब लोग घर पर थे, सबको ये कहा था कि सड़क पे निकले, सारे ऑफिस बंद थे, आप लोकसभा में ये कानून पारित कर दिया, क्या मंशा है आपकी? तो ये सब चीजें हैं जो डाउटफुल स्थिति खड़ी करती हैं। अडानी जी का गोडाउन क्यों चालू हुआ, डायरेक्ट वहां पे माल क्यों पहुंचाया गया? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि इससे ना हम बचेंगे, ना व्यापारी बचेगा, किसान की तो जो स्थिति होने वाली है वो आप खुद देख रहे हैं। कारण ये है कि जब सारा माल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो जाएगा, और जब इन लोगों के गोडाउन में पहुंच जाएगा, जब हिंदुस्तान से सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा मार्केट, देखिए इंदिरा जी ने, राजीव जी ने क्यों ये किया था कि आप कोई भी चीज स्टोर नहीं कर सकते, कारण ये था कि वो नहीं चाहते हैं कि इस पर कंट्रोल जो हो, प्राइस, मार्केट का प्राइस कंट्रोल हो, वो पर्सनल प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस के पास जाए, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते मैडम। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी से पाई हुई चीजों को राष्ट्रीयकरण कर रहे, निजीकरण से बड़े बड़े राज महाराजाओं से जमीन लेकर किसानों में बांट रहे, आज फिर वही स्थिति हो गई, फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के संस्कार दोबारा वापस हिंदुस्तान में आ रहे हैं,
हम फिर प्राइवेट करने जा रहे हैं, फिर एक नई, अब क्या बोलूं मैं, गुजरात इंडिया कंपनी बनने जा रही है, क्या बनने जा रही है, तो आप फिर से माने ये जो प्राइवेट करने का जो एक नशा या जो ये जज्बा आपके अंदर है, देखिए जिस तरह से आपकी ताकत, आप इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, आप अपने पावर का उपयोग कीजिए। लेकिन कृपया करके मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है और जवान है, इन दोनों को सिर्फ राजनीति से, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से और अपने ये जो बड़े बड़े घराने जो बड़ी फंडिंग करते हैं उनसे बचा लीजिए। बिल्कुल राहुल जी, यही उम्मीद की जा सकती है और किसान भी इस बार डट कर आए हैं और सरकार को झुकना ही होगा। अगर सरकार की मंशा साफ नहीं है तो वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो राष्ट्र धर्म में किसान आंदोलन को लेकर हमने बात की, 15 तारीख को एक बार फिर से बातचीत होनी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस पूरे आंदोलन में रोजाना क्या क्या नई नई चीजें निकलकर सामने आती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।